हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे एमएक्स प्लेयर की मूवी विश लिस्ट को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हिना खान और जितेंद्र राय स्टारर मूवी विशलिस्ट कल ही एमएक्स प्लेयर पे रिलीज हुई थी। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी शालिनी और मोहित की, जो कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब इन दोनों को पता चलता है कि मोहित की स्पाइनल कॉर्ड में एक ट्यूमर है जिसके कारण वो 2-3 महीनों में मरने वाला है। और ये सब पता चलने के बाद शालिनी और मोहित कैसे रिएक्ट करते हैं और फिर वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे मेरे ख्याल से मूवी देखने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसका ट्रेलर ही देख लो, आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत खराब है, क्योंकि ऐसी कुछ स्टोरीज पर हमने पहले भी काफी सारी मूवीज और सीरीज देख रखी हैं, और ये मूवी भी उन्हीं सीरीज और मूवीज के पाथ को फॉलो करती है। यानी इस मूवी में ऐसा कोई भी ट्विस्ट नहीं है जो आप प्रिडिक्ट ना कर सको, सब कुछ वही घिसा पिटा है जो आपने पहले भी कई बार देखा होगा। और इस तरह की मूवीज की जो असली जान होते हैं वो होते हैं इनके इमोशंस, क्योंकि अगर आप इस तरह की मूवीज या सीरीज में कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको ये मूवी काफी फ्लैट और बोरिंग लगेगी। और इस मूवी के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इस मूवी में हम किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण ये मूवी हमें काफी फ्लैट लगती है और किसी भी कैरेक्टर के हम इमोशंस को फील ही नहीं कर पाते, जो कि काफी बुरी बात है। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक ही है, किसी ने भी बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग नहीं की, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो इस मूवी का काफी खराब है, लेकिन एडिटिंग ठीक ठाक है। और अगर हम इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले ना देखा हो, और उसके ऊपर से एवरेज एक्टिंग और खराब डायरेक्शन इस मूवी को काफी खराब बना देते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो ज्यादा मूवीज और सीरीज नहीं देखते हैं तो आप ये मूवी देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे। लेकिन मैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपने ये मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।